नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नाश्ते में खाई जाने वाली सबसे हल्की फुल्की चीज़ खांडवी, जो गुजरात में महाराष्ट्र में बहुत ही पसंद की जाती है और किसी भी ओकेज़न पे चाय के साथ, और आपको जब इच्छा हो जब भी आप इसको बना के खा सकते हैं। हर मौसम में आप इसको खा सकते हैं। हेल्दी होने के साथ ये टेस्टी भी बहुत है। तो आज हम इसको परफेक्ट तरीके से बनाना सीखेंगे ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स आती है वो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो आइए झटपट से ये खांडवी बनाना सीखें। एक बर्तन में हम छलनी लगाएंगे और इसमें हम एक कप बेसन लेंगे और इस बेसन को हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है, छानने से जो है इसमें लम्ब्स नहीं रहेंगे, गिठाने नहीं बनेगी और आराम से घुल जाएगा और जल्दी बनेगा हमारा बेसन का गोल। तो उसको मैं छान लेती हूँ। खांडवी आप ज़्यादा बनाएंगे तो उसके लिए सारा गोल एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर में क्या कि हमें बहुत ज़्यादा बर्तन हम यूज़ नहीं करते हैं, थाली का साइज़ छोटा ही रहता है, या गैस पट्टी पर भी हम इसके गोल को फैला सकते हैं। अगर आप मेरा कहा माने तो खांडवी में जो है एक एक कप या एक एक कटोरी जो भी आप मेज़र करते हैं, थोड़ा थोड़ा बना करके मिश्रण को फैला लें और बनाते जाएँ बार बार गोल। तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा मात्रा में अच्छा परफेक्ट गोल तैयार होगा इसका। तो ये एक कप बेसन मैंने छान लिया। सारा गोल जैसे हमें 5 जनों के लिए बनाना है, तो अगर हम 5 कप बेसन एक साथ घोलेंगे तो उसको फैलाने में या तो आप 1 से 2 जनों की सहायता लें, क्योंकि इस गोल को हमें गरम गरम फैलाना है। तो अच्छा गोल बने इसलिए हम थोड़ा थोड़ा गोल करके बनाएंगे, 2-3 बार करके, तो हम ज़्यादा मात्रा में भी नाश्ता तैयार कर सकेंगे। अब इसी पर हम छलनी रख देंगे। खांडवी में जो मेजरमेंट होता है वो परफेक्ट होने पर ही हमारी खांडवी अच्छी बनती है। तो आप परफेक्टली बनाएं इसके लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे और मेजरमेंट पर ध्यान देंगे। एक हिस्सा हमने बेसन लिया है तो उस हिस्से के बराबर ही हम दही भी यूज़ करेंगे। अब दही को हमने क्या किया, चम्मच से इस तरीके से हल्का सा चला के फेंट लिया है, यानी फेंटा हुआ दही है। गट्टेदार दही को हमें मेजर नहीं करना है, क्योंकि दही में कई बार अलग से पानी भी होता है, तो उन सबको हम मिक्स करके यूज़ करेंगे। तो ये मैंने दही के बराबर ही बेसन ले लिया, दोनों इक्वल मात्रा में लिया, और इसको हमें फेंट करके मेजर करना, हल्का सा चम्मच से चला लें, थोड़ा सा बिलो लें और फिर आप इसको मेजर करेंगे तो परफेक्ट नाप होगा। एक बात तो दही की ये हो गई, दूसरी बात ये होगी कि दही हमें खट्टा चाहिए, एकदम खट्टा दही होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा खांडवी का। और अगर आपके पास फ्रेश दही है और खट्टा नहीं है, या सर्दी में आप बना रहे हैं और खट्टा दही आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इसमें क्या करें, 1 से 1.5 टीस्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं इस दही के साथ, ताकि प्रॉपर खट्टापन इसमें आ जाए। तो दही को भी हमने इसमें छान लिया है ताकि दोनों स्मूथ टेक्सचर हो गए हैं, दही के और बेसन के टेक्सचर को हम देखिए इस तरीके से बाइंड अप करेंगे। और देखिए इतना कम दही है इसमें बराबर कि अब इसको हम फेंटेंगे तो इसमें लम्ब्स भी नहीं होंगे, गिठाने नहीं होंगी, और आराम से बेसन का गोल हमारा तैयार हो जाएगा, चिकना गोल एकदम से। तो ये रेसिपी की आज ट्रिक हो गई, बेसन घोलने के लिए आप खट्टे दही का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्पंजी बनेगा हमारा खांडवी और अच्छा खुशबू वाला बनेगा। तो बेसन हमने घोल लिया है, अच्छे से पेस्ट जैसा बना लिया, लम्ब्स नहीं है इसमें। और अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे, तो 1/2 टीस्पून करीब नमक डाल रही हूँ मैं, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी डालेंगे, 2 चुटकी हींग डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो लोकल बनाते हैं सभी गुजराती, उसमें ये टेस्ट यूज़ नहीं होता है। तो इसमें हम नमक हल्दी ही डालेंगे, हींग डालेंगे। बेसन के साथ हींग यूज़ करने से जो है हमारा ये भारी नहीं पड़ेगा पेट के लिए। अब पानी का मेजरमेंट लेंगे, तो 1 कप हमने बेसन लिया है, 1 कप हमने दही लिया है, और 1.5 से 2 कप हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। तो अभी मैं 1.5 कप पानी लिया है मैंने, और इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से अच्छे से घोलूँगी। तो यानी दही का डबल, बेसन का डबल पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट आप दिमाग में बिठा लें कि दही के बराबर बेसन और बेसन और दही का डबल हमें पानी लेकर के इसका गोल तैयार करना है। तो बहुत सरल रेसिपी है ये, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। तो ये मैंने घोल लिया इसको। अब
हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। नॉन स्टिक पैन में ज़्यादा आसानी से बनता है हमारा ये गोल। तो इसमें हमको चिकनाई नहीं डाल रहे, बिना किसी चिकनाहट के, बिना घी तेल के हम इसको बनाएंगे। इस रेसिपी में बहुत कम तेल घी यूज़ होता है, इसलिए रेसिपी टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी बहुत है। तो अब इस गोल को हम इस पैन में डाल देंगे और मीडियम आंच पर हम इसको लगातार चलाएंगे। और इसको कम से कम 10 से 12 मिनट हमें इसको पकाना होता है, क्योंकि जब ये पकता है तभी ये जमने वाली कंडीशन में आता है। अगर ये बेसन कच्चा रह गया तो हमारा जो गोल है वो हाथों में चिपकेगा और रोल नहीं होगा। तो इसको हम मीडियम आंच पर ही रख करके लगातार चलाते हुए पकाएंगे और थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। आंच हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। तेज़ आंच पे क्या होगा, ये मिश्रण जो है जल्दी से गाढ़ा होने लगेगा और इसमें जो है गिठाने बंधने लगेगी, और उससे क्या होगा, मिश्रण हमारा कच्चा रह जाएगा और एकदम से चिकना जो हमारा खांडवी बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको मीडियम आंच पर ही करके हमें लगातार चलाना है। और गोल में जितनी भी गिठाने होती है वो हमें छान करके पहले ख़त्म कर देनी। अगर आपको जिस तरीके से मैंने बताया, दही को छान लिया, बेसन को छान लिया, और गोलने के समय भी अगर आपको लग रहा है कि कोई लम्स रह गए हैं, तो जैसे हमने पानी डाला है पतला गोल बन गया है, तो उस गोल की कंडीशन में भी आप इस मिश्रण को छान लें, ताकि कोई भी गिठाने बेसन रह गया होगा सूखा तो उस छलनी से निकल जाएगा। तो ये आज आपकी रेसिपी की ट्रिक हो गई। बेसन को क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, और अगर प्रॉपर नहीं पके तो स्वाद भी नहीं आता और फिर दिक्कत भी हो जाती है कच्चा बेसन खाने से। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको पेशेंसली बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। खांडवी को बनाने में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आप इसको कितना पेशेंसली बनाते हैं। जितना पेशेंसली बनाएंगे उतनी परफेक्ट आपकी ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। और अगर आप इस रेसिपी के लिए आप दही अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप छाछ में भी बना सकते हैं। तो इसमें मेजरमेंट जो है, आप एक कप बेसन में 1.5 कप छाछ डाल लें तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये मिश्रण बनकर के तैयार होगा। अगर छाछ यूज़ करें तो पूरी छाछ यूज़ करें और 1.5 कप आप छाछ ले लें। तो देखिए ये मिश्रण जो है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने आया है, इससे खुशबू भी आ रही है। तो 10 से 12 मिनट आप इसको पकाएंगे मीडियम आंच पर, कम कर दें आंच को गाढ़ा होने के बाद, और जितनी देर पकेगा उतना अच्छा लगेगा ये। और इसको चेक कैसे करेंगे इसको मैं आपको सिखाऊंगी अभी, ताकि आप वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जब छूट जाती हैं तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। फिर आप कहेंगे कि यूट्यूब पर सिखाने वाले ऑथेंटिक नहीं सिखाते हैं, सही नहीं बताते हैं। लेकिन आप वीडियो एक बार छोड़ के 2 बार देखें, समझ में आए, जब तक आप इस वीडियो को समझ समझ के देखेंगे तो आप इजीली कोई भी रेसिपी बना पाएंगे। क्योंकि मेजरमेंट बहुत अच्छे से धीरे धीरे मैं बताती हूँ, तो मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए आप ये रेसिपी बनाएं। अभी देखिए मिश्रण गाढ़ा हो गया है लेकिन अभी ये पक्का नहीं है, तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे? तो क्या करेंगे, थोड़े से मिश्रण को हम स्टील की प्लेट पर इस तरीके से लेंगे। अभी इस प्लेट पर हमने कोई चिकनाहट नहीं लगाई है, और इसको हम थोड़ी सी इसको ठंडा करेंगे इस तरीके से फैला करके। अब ये ठंडा होता है तब तक हम उस मिश्रण को लगातार भी चला रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी मिश्रण तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ गाढ़ा हुआ है। ये देखिए अब इस मिश्रण को हम जैसे इस तरीके से हटा रहे हैं तो देखिए इकट्ठा नहीं हो रहा है, अभी इसकी फॉर्म जो है डो जैसी नहीं हुई है, तो ये कच्चा है। गाढ़ा ज़रूर हो गया लेकिन अभी ये कच्चा है, तो अभी हम इसको और पकाएंगे। टेस्टिंग का एक तरीका और बताती हूँ मैं। एक तो हमने ये फैला दिया, और एक तरीका ये कि हमने बस एक डॉट डाला, अब इस डॉट को हमने 1 से 2 मिनट रहने दिया और झट से इसको ऐसे उठाया तो नीचे चिपक नहीं रहा और इजीली आ गया। ये देखिए इस तरीके से रोल हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये मिश्रण लगभग तैयार हो गया। अब इस वाले मिश्रण को भी देखिए, ये आराम से ये देखिए रोल हो रहा है, ये इस तरीके से रोल होने लगेगा, इसका मतलब हमारा जो मिश्रण है ये परफेक्टली हो चुका है। तो मिश्रण हमारा पक चुका है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, गैस को बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल कम आंच पर हम इसको रखेंगे, या फिर तवे पर रख देंगे इस बर्तन को, तवा रख देंगे रोटी बनाने वाला, और उस पर हम इसको रख देंगे ताकि इस पर कम कम आंच लगती रहे और ये मिश्रण जो है हमारा ठंडा ना हो। बस ये मिश्रण ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर ये ठंडा हो गया तो इसमें लम्स बन जाएंगे और फिर हम जितना पतला हम फैलाना चाह रहे हैं उतना पतला फैलेगा नहीं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और गैस कम कर देते हैं। अब हमने स्टील की प्लेट ले ली है, थाली ले ली है, और इस पर हम चिकनाई नहीं लगा रहे हैं,
बिना चिकनाई के हम इसको फैलाएंगे। मिश्रण हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, दो बातों को ध्यान रखेंगे। और स्टील की प्लेट हमने उल्टी तरफ से रखी है और इस पर हम इस मिश्रण को गरम गरम इस तरीके से रखेंगे और इसको हम पतला पतला, जितना हम पतला फैलाएंगे उतना अच्छा हमारा खांडवी का साइज और शेप बनेगा। तो हम इसको अच्छे से फैलाते हैं, गरम गरम में फैलाना है। हमको स्पैचुला के अलावा अगर इस तरीके से आपके पास फ्लेट कोई भी चीज़ है उससे भी हम इसको फैला सकते हैं एक जैसा। तो देखिए इसको मैंने एकदम से पतला पतला फैला दिया है इस तरीके से, और मैं और दूसरी प्लेट्स पे भी फैला दूंगी। मोटा होने पे क्या होगा कि इसको हमें रोल करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए पतला फैलाना ही ठीक रहेगा। तो मैंने 3-4 थालियों में इसको फैला दिया है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो हमारा ये मिश्रण ठंडा हो गया, ठंडा होकर के देखेंगे, हाथों पर चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसकी पट्टियाँ काटेंगे, जितनी चौड़ी आप खांडवी बनाना चाहें उतनी चौड़ी आप खांडवी बना लें। तो ये पट्टियाँ मैं काट लेती हूँ। तो कट्स मैंने लगा दिए हैं और अब इसको देखिए इस तरीके से धीरे धीरे रोल करेंगे। ये देखिए जितनी बड़ी थाली में आप घुमाएंगे उतना लंबा आपका रोल बनेगा। अगर छोटी थाली लेंगे तो रोल कम बनेगा, जितनी चौड़ाई होगी उस हिसाब से आप इसको बना लें। ये देखिए थाली मैंने बड़ी यूज़ करी है तो इसका जो रोल है ये भी देखिए कितना बढ़िया परफेक्टली बना है। तो इसी तरीके से मैं इसको सारे को रोल कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आराम से होगा। और बेसन अगर जो कच्चा होता है तो फिर रेसिपी, और अच्छे से थोड़ा सा दबा करके टाइट बनाएंगे रोल ताकि खुले नहीं। तो देखिए मैंने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरीके के बड़े किए हैं, कुछ मीडियम साइज़ के और कुछ छोटे साइज़ के। छोटे साइज़ करने के लिए आप पतली काट लें पट्टियों को, और ज़्यादा जिस तरीके से रोल अगर चाहिए तो लंबा रखें बड़ी थाली पर, और अगर आपको कम रोल पसंद है तो फिर आप पट्टियों को बीच से भी काट सकते हैं, जैसे हम मछली के दो टुकड़े करते हैं इस तरीके से। तो अब इसका हम छोंक तैयार कर लेते हैं। छोंक के लिए हम जितने हमारे पीसेस होते हैं उस हिसाब से हम तेल की मात्रा रख लेंगे। सिर्फ छोंक में तेल लगता है तो सब पे स्प्रेड हो जाए इतना तेल हम अंदाज से ले लेंगे। इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब इसमें हम सरसों डाल देंगे या राई डाल देंगे अच्छी मात्रा में, और फिर हम इसमें कटे हुए कड़ी पत्ता डाल देंगे। कटे हुए कड़ी पत्ते से क्या होगा, अच्छे से स्प्रेड होगा और खाने में भी इजी रहेगा। और सफ़ेद तिल डाल देंगे, ये भी हम अच्छी मात्रा में डालेंगे ताकि पूरे पे लग जाए। और फिर हम कुछ टुकड़े बारीक करके डाल रहे हैं हरी मिर्ची के, और कुछ लंबे, किसी किसी को लंबे टुकड़े खाना पसंद है किसी को बारीक, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। अब इस मिर्ची को हम अच्छे से एक बार पका लेंगे, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करनी हमको मिर्ची को। तो अब हमारा ये छोंक जो है तैयार है। अब गर्म गर्म छोंक हम अपने पीसेस पे डालेंगे। अब गरम गरम छोंक डालेंगे ताकि गरम छोंक से क्या होगा कि जो मसाले का टेस्ट है वो अंदर तक जाएगा इस तरीके से। अब देखिए सारा जो मसाला है हमने इस पर डाल दिया। तेल जो मैंने ज़्यादा बोला है तो वो क्या है कि जैसे छोंक लगाया तो नीचे तक के पीसों में चला गया, और जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो सारा हम डाल देंगे ताकि नीचे जा कर के वो इकट्ठा हो जाएगा तेल, तो लेकिन इन सब में जो है अच्छा टेस्ट आ जाएगा और खाने में जो है बहुत बढ़िया लगेंगे ठंडे होने के बाद भी। दुकानदार वगैरह भी इसी तरीके से करते हैं कि बहुत सारा छोंक का तेल इसमें यूज़ कर लेते हैं ताकि तेल एक्स्ट्रा जो होता है वो तो अलग रह जाता है लेकिन स्वाद पूरे उसमें आ जाता है, इसलिए हमें बाज़ार के जो है खांड भी अलग लगते हैं। फिर इस पर हम डाल देंगे हरा धनिया।
तो देखिए हमारी खांडवी जो है बनकर के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है और पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।